प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल 10वीं बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न है 2 नंबर के आते हैं। मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। तो मॉडल शब्द जो है प्रवृत्ति, व्यवहार या मन स्थिति, इसको मूड भी कहते हैं, से संबंधित है। अतः वह शब्द जो मनोभाव को व्यक्त करे मॉडल कहलाता है। इस प्रकार मॉडल ऑक्सिलरीज वे सहायक क्रियाएं हैं जो विभिन्न मनोभावों को, मन के भावों को, जैसे योग्यता, बाध्यता, प्रार्थना, क्षमता, इच्छा, सुझाव, धमकी, प्रतिबंध, संभावना आदि को व्यक्त करती हैं। मॉडल्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहली विशेषता है, मॉडल हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती हैं। टेंस में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह हेल्पिंग वर्ब के स्थान के ऊपर जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग हो रहा है, एग्जांपल में ही शुड लीव द रूम, तो मॉडल जो है हमेशा वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ में प्रयुक्त होती हैं। दूसरी विशेषता, इन पर सब्जेक्ट यानी कर्ता के वचन, एक वचन है, बहुवचन है, लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुरुष, प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मोहन कैन रीड इंग्लिश, मोहन के साथ में कैन मॉडल का प्रयोग हुआ है। इसके साथ मेन वर्ब है रीड, इसमें कर्ता एक वचन है तो कैन का प्रयोग हो रहा है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मोहन एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, अब सब्जेक्ट है वो बहुवचन हो गया। कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, क्रिया मॉडल के ऊपर, कैन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम जिन टेंस से पढ़ा था तो टेंस में जैसे एग्जाम्पल है ही ईट्स मैंगो और दे ईट मैंगो, इसमें वर्ब आई है ईट्स और इसमें वर्ब आई है ईट। एक वचन कर्ता प्रेजेंट टेंस में, एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो इस क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में ईट के ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मॉडल के साथ में कभी भी कर्ता का जो वचन है, लिंग है या पुरुष है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपने एक समान रूप में रहती हैं। तीसरी विशेषता, मॉडल ऑक्सिलरीज में थर्ड पर्सन ही सी इट आदि में एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता। यदि कर्ता एक वचन है तो उसमें एस या ई एस हम नहीं जोड़ेंगे। ही मे गो, सब्जेक्ट एक वचन है, एस या ई एस का प्रयोग, थर्ड पर्सन है, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सी कैन रन, सब्जेक्ट एक वचन है, एस या ई एस का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में भी पढ़ा था कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है, मॉडल के बाद यदि रिक्त स्थान आता है, मे है, मे के बाद रिक्त स्थान आया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये एक मॉडल की विशेषता भी है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नकारात्मक प्रश्नों वाले वाक्यों में अधिकतर मॉडल के साथ में नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में एंट का प्रयोग मॉडल के साथ होता है। ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है ये सामान्य बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती है। औपचारिक जो पत्र होते हैं उसके अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं, लिखते समय हम इनका प्रयोग कम करते हैं। सामान्य बोलचाल के अंदर बोलने की सुविधा की दृष्टि से हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
मॉडल के नेगेटिव फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि मॉडल के साथ में नॉट लगाने पर उसकी फॉर्म क्या बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। मॉडल फुल नेगेटिव फॉर्म और शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म। कैन मॉडल है, कैन के साथ में हमने नॉट लगाया, कैन नॉट बन गया, लेकिन इसकी शॉर्ट नेगेटिव जो फॉर्म है वो बनेगी कांट। कुड, कुड के साथ में नॉट, कुड प्लस नॉट, कुड नॉट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी कुडंट। इसी प्रकार से मे के साथ नॉट लगाया, मे नॉट, और शॉर्ट फॉर्म बनेगी मेन। माइट, माइट नॉट, माइटंट। शुड, शुड के साथ नॉट, शुड नॉट, शुडंट। वुड, वुड नॉट, वुडंट। सेल, सेल नॉट, शंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अंडरलाइन की हुई है मैंने मॉडल, इसका मतलब ये हुआ बाकी मॉडल के अंदर वुड नॉट के साथ में आ रहा है तो वुड की पूरी पूरी फॉर्म आ रही है, और एन ओ टी नॉट को हमने शॉर्ट किया, लेकिन इन दो मॉडल के अंदर हम सेल भी, सेल का डबल एल है वो साइलेंट हो जाएगा और ओ साइलेंट हो जाएगा तो शंट बन जाएगा। विल के साथ में विल नॉट हो जाएगा, और वॉन्ट, इसका भी डबल एल है वो साइलेंट हो जाएगा और ओ साइलेंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी वॉन्ट। इसी प्रकार से मस्ट के साथ में हमने नॉट लगाया तो इसकी पूरी फॉर्म होती है मस्ट नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी मस्टर। ऑट टू, ये सेमी मॉडल है, ऑट के साथ में जब नॉट लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है ऑट और टू के बीच में नॉट लगता है, ऑट टू नॉट नहीं करेंगे हम, ऑट नॉट टू करेंगे। मॉडल ऑट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना हम इसके आगे मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी ऑटन टू। इसी प्रकार से यूज्ड टू, बीच में मॉडल लगाए, बीच में नॉट लगाएंगे, टू के बाद नहीं लगाएंगे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूज्ड नॉट टू, और इसकी जो शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म है ये हो जाएगी यूजन टू। इसी प्रकार से नीड, नीड की फुल फॉर्म नीड नॉट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी नीडंट। डेयर, डेयर नॉट, डेयंट। इस प्रकार से ये सामान्य परिचय मॉडल का था। अगले वीडियो में हम मॉडल कैन, कुड, मे, माइट आदि का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।